नमस्कार दोस्तों, आज हम कंपेयर करने वाले दो बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर को जो कि लेटेस्ट रिलीज हुआ इंटेल कोर i3 का 13 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 1315U उसके साथ राइजन 5 5500U प्रोसेसर। ये जो दोनों प्रोसेसर है वो आपको अंडर 50,000 के लैपटॉप में देखने को मिल जाएगा। जो इंटेल कोर i3 13 जनरेशन प्रोसेसर है वो आपको SP15 MSI मॉडल 14 एंड Asus वीवो 15 पे देखने को मिल जाएगा। जो राइजन 5 5500U प्रोसेसर है वो आपको SP14S SP15S एंड लेनोवो आइडियापैड 3 पे देखने को मिल जाएगा। तो चलते हैं आज के इस वीडियो में इन दोनों प्रोसेसर को अच्छी तरीके से कंपेयर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आपको अंडर 50,000 में कौन सा प्रोसेसर के साथ जाना बिल्कुल सही रहेगा। तो आपको रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल ही स्किप मत कीजिए। सो ये जो प्रोसेसर के साथ जो जो लैपटॉप आते हैं उन सभी लैपटॉप का बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते तो प्लीज उस लिंक से जरूर खरीदना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे जोर से दबा दीजिए। ओके, चलते हुए वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय, दिस इज दिव्य ज्योति, यू वॉच माय चैनल डीडीकी आलेस। पहले स्टार्ट करते हैं रिलीज डेट से। इंटेल प्रोसेसर रिलीज हुआ था 3 जनवरी 2023 को। अगर हम राइजन प्रोसेसर के बारे में बात करें वो रिलीज हुआ था 12 जनवरी 2021 को। सो रिलीज डेट के मामले में इंटेल i3 13 जनरेशन एक नया प्रोसेसर है। कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में, इंटेल प्रोसेसर पर आपको 64 बिट रेप्टेल एक यू आर्किटेक्चर बेस्ड एक हेक्सा को सीपीयू देखने को मिलता है जिसमें आपको परफॉर्मेंस स्कोर 2 एंड एफिशिएंसी को 4 देखने को मिलता है। अगर हम राइजन प्रोसेसर के बारे में बात करें वहाँ पर आपको 64 बिट जेन 2 आर्किटेक्चर बेस्ड एक हेक्सा कोर सीपीयू देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल प्रोसेसर पर आपको एक मॉडर्न आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 6 कोर्स देखने को मिलेंगे जिसमें आपको हैवी टास्क के लिए 2 कोर्स एंड हल्का फुल्का काम के लिए 4 कोर्स देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें राइजन 5 5500U प्रोसेसर के बारे में वहाँ पर आपको टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 6 कोर्स देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो दोनों ही प्रोसेसर पर आपको कोर्स लगभग सेम देखने को मिलता है बट आर्किटेक्चर आपको इंटेल i3 13 जनरेशन प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है। सो कोर्स के मामले में दोनों प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं बट आर्किटेक्चर के मामले में इंटेल i3 13 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। थ्रेड्स के बारे में, इंटेल प्रोसेसर पर आपको 8 थ्रेड्स देखने को मिलते हैं जिसमें आपको परफॉर्मेंस स्कोर पे 4 थ्रेड्स एंड एफिशिएंसी स्कोर पे 4 थ्रेड्स देखने को मिलते हैं। अगर हम राइजन प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको 12 थ्रेड्स देखने को मिलते हैं। तो यहां पर देखें तो राइजन प्रोसेसर पर आपको ज़्यादा थ्रेड्स देखने को मिलता है, इसके कारण यहाँ पर जो परफॉर्मेंस एंड मल्टीटास्किंग होगा बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिल जाएगा। सो थ्रेड्स के मामले में राइजन 5 5500U प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। फैब्रिकेशन प्रोसेस के बारे में, इंटेल प्रोसेसर आपको 10 नैनोमीटर की मिल जाएगी। अगर हम राइजन प्रोसेसर के बारे में बात करें वो आपको 7 नैनोमीटर की मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखें तो जो राइजन प्रोसेसर है वहाँ पर आपको सेमीकंडक्टर साइज बहुत ही छोटा देखने को मिलता है, इसके कारण ये बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर बन जाता है। सो फैब्रिकेशन प्रोसेस के मामले में राइजन 5 5500U प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। सीपीयू स्पीड के बारे में, इंटेल प्रोसेसर पर आपको परफॉर्मेंस स्कोर पे बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 1.2 गीगाहर्ट्ज़ की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 4.5 गीगाहर्ट्ज़ की। अगर हम एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें वहां पर आपको बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 0.9 गीगाहर्ट्ज़ की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 3.3 गीगाहर्ट्ज़ की। अगर हम राइजन प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको इंडिविजुअल कोर की बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 2.1 गीगाहर्ट्ज़ की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 4 गीगाहर्ट्ज़ की। तो यहाँ पर देखें तो बेस फ्रीक्वेंसी आपको राइजन प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है बट टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी आपको इंटेल प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं केस मेमोरी के बारे में। तो एक बात याद रखना, जितना ज़्यादा केस मेमोरी होगा वो उतना अच्छा प्रोसेसर होगा। पहले जान लेते हैं L1 केस के बारे में जो सबसे छोटा होता है बट स्पीड के मामले में बहुत ही फास्ट होता है। इंटेल प्रोसेसर पर आपको 544 KB की मिलेगी। अगर हम राइजन प्रोसेसर के बारे में बात करें वहाँ पर आपको 384 KB की मिलेगी। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल प्रोसेसर पर आपको L1 केस बिगर देखने को मिलता है। सो L1 केस के मामले में इंटेल i3 13 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। L2 केस के बारे में, जो L1 केस से बड़ा होता है बट स्पीड के मामले में L1 केस से कम होता है। इंटेल प्रोसेसर पर आपको 4.5 MB की मिलेगी एंड राइजन प्रोसेसर पर आपको 3 MB की मिलेगी। तो यहाँ पर देखें तो L2 केस इंटेल प्रोसेसर पे बिगर देखने को मिलता है। सो L2 केस के मामले में इंटेल i3 13 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। L3 केस के बारे में, जो सबसे बड़ा होता है
पर स्पीड के मामले में L1 कैश एंड L2 कैश से कम होता है। इंटेल प्रोसेसर पर आपको 10 MB की मिलेगी, अगर हम राइजन प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको 8 MB की मिलेगी। तो यहां पर भी देखें तो इंटेल प्रोसेसर L3 केस में आपको बिगर देखना मिलता है। सो L3 केस के मामले में इंटेल i3 13 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। GPU के बारे में, इंटेल प्रोसेसर पर आपको इंटीग्रेटेड इंटेल USD ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम GPU फ्रीक्वेंसी मिलता है 1250 MHz की। अगर हम Ryzen प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको इंटीग्रेटेड AMD RX Vega 7 ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम GPU फ्रीक्वेंसी मिलता है 1800 MHz की। तो यहां पर देखें तो Ryzen प्रोसेसर पर आपको बेहतर GPU देखने को मिलता है। सो GPU के मामले में Ryzen 5 5500U प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। RAM के बारे में, इंटेल प्रोसेसर पर आपको डुअल चैनल का RAM का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम RAM सपोर्ट मिल जाएगा 64 GB की। यहां पर आपको DDR4, LPDDR4X, DDR5, LPDDR5 एंड LPDDR5X का RAM का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम RAM फ्रीक्वेंसी मिलता है 5200 MHz की। अगर हम Ryzen प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर भी आपको डुअल चैनल का RAM का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम RAM सपोर्ट मिल जाएगा 32 GB की। यहां पर आपको DDR4 एंड LPDDR4X का RAM का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम RAM फ्रीक्वेंसी मिलता है 4266 MHz की। तो यहां पर देखें तो ज्यादा RAM का सपोर्ट एंड हायर RAM फ्रीक्वेंसी का सपोर्ट आपको इंटेल प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है। सो नो डाउट RAM के मामले में इंटेल i3 13 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। TDP के बारे में, जो हम बोलते हैं थर्मल डिजाइन पावर के बारे में, दोनों ही प्रोसेसर पर आपको TDP मिलता है 15 वाट की। दैट मीन्स दोनों ही प्रोसेसर में आपको पावर कंजप्शन बहुत ही कम देखने को मिलेगा। सो TDP के मामले में दोनों ही प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। CPU टेम्परेचर के बारे में, इंटेल प्रोसेसर पर आपको मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिल जाता है 100 डिग्री सेल्सियस की। अगर हम Ryzen प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिल जाता है 105 डिग्री सेल्सियस की। तो यहां पर देखें तो जो Ryzen प्रोसेसर है ना, बहुत ही गर्मी झेल सकता है। सो CPU टेम्परेचर के मामले में Ryzen 5 5500U प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। PCI Express वर्जन के बारे में, इंटेल प्रोसेसर पर आपको वर्जन 4.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है एंड Ryzen प्रोसेसर पर आपको वर्जन 3.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो यहां पर देखें तो इंटेल प्रोसेसर पर आपको लेटेस्ट जनरेशन का PCI Express वर्जन का सपोर्ट देखने को मिलता है। सो PCI Express वर्जन के मामले में इंटेल i3 13 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। अब जान लेते हैं दोनों प्रोसेसर के बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में। पहले जान लेते हैं सिनेबस R23 में। इंटेल i3 पे आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1655, एमल्टा कोर में 6145। अगर हम Ryzen प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1172 एंड मल्टा कोर में 7109। तो यहां पर देखें तो सिंगल कोर का स्कोर आपको बेहतर इंटेल i3 13 जनरेशन प्रोसेसर पे बहुत ही बेहतर देखने को मिलता है, पर Ryzen प्रोसेसर पे आपको मल्टी कोर का स्कोर बेहतर देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं पासमार CPU के बारे में। इंटेल प्रोसेसर पे आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 3148 एंड मल्टी कोर में 12525। अगर हम Ryzen प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 2472 एंड मल्टी कोर में 13214। तो यहां पर भी देखें तो सिंगल कोर का स्कोर आपको इंटेल प्रोसेसर पे बहुत ही बेहतर देखने को मिलता है, बट मल्टी कोर का स्कोर आपको Ryzen प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं Geekbench 5 के बारे में। इंटेल प्रोसेसर पे आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1620 एंड मल्टी कोर में 6185। अगर हम Ryzen प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1112 एंड मल्टी कोर में 4971। तो यहां पर देखें तो सिंगल कोर का स्कोर एंड मल्टी कोर का स्कोर आपको बेहतर इंटेल प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहां पर बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में बात करें तो ज्यादातर सिंगल कोर का स्कोर आपको इंटेल प्रोसेसर पे बहुत ही ज्यादा बेहतर देखने को मिलता है, बट मल्टी कोर का स्कोर आपको Ryzen प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है। तो ये रहा कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन इंटेल i3 13 जनरेशन, जिसका वेरिएंट है 1315U, उसके साथ Ryzen 5 5500U प्रोसेसर। अब जान लेते हैं दोनों प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले जान लेते हैं इंटेल i3 13 जनरेशन प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले तो ये एक नया रिलीज हुआ प्रोसेसर है, उसके बाद यहाँ पर आपको मॉडर्न आर्किटेक्चर्स देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको हाई टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है, केस मेमोरी बिगर देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको हाई रैम फ्रीक्वेंसी का सपोर्ट एंड ज़्यादा रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको लो TDP देखने को मिलता है, लेटेस्ट वर्जन का PCI Express वर्जन का सपोर्ट देखने को मिलता है एंड एट लास्ट यहाँ पर आपको सिंगल कोर का बेंचमार्क स्कोर बहुत ही बेहतर देखने को मिलता है। अगर हम बात करें
राइजन 5 5G प्रोसेसर के बारे में, वहाँ पर आपको ज़्यादा थ्रेड्स देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक बेस फ्रीक्वेंसी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको पावरफुल इंटीग्रेटेड GPU देखने को मिलता है, लो TDP देखने को मिलता है। उसके बाद हायर CPU टेम्परेचर देखने को मिलता है, एंड एट लास्ट में यहाँ पर आपको मल्टा कोर का स्कोर बेटर देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर कंक्लूजन के बारे में बात करें तो इन दोनों ही प्रोसेसर के अंदर कौन सा था बेटर प्रोसेसर है, मेरा मानना है कि ये जो दोनों प्रोसेसर है अपने अपने जगह पर बहुत सही है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका टास्क बहुत ही ज़्यादा हैवी नहीं है, आपको गेमिंग भी नहीं करना है, आप एक स्टूडेंट हो, पढ़ाई के लिए चाहिए, और या फिर आपको ऑफिस के लिए चाहिए, मतलब एक्सेल वगैरह के लिए, वर्ड वगैरह के लिए चाहिए, तो आप डेफिनेटली बेफिक्र होकर इंटेल i3 13th generation प्रोसेसर के साथ आप जा सकते हो, वो अच्छा रहेगा। मतलब यहाँ पर भी आप वीडियो एडिटिंग कर पाओगे एंड गेमिंग भी थोड़ा बहुत कर पाओगे। बट अभी जो बात करें जो राइजन 5 5G प्रोसेसर है, अगर आपको थोड़ा बहुत बेटर काम करना है, मतलब अगर आपको थोड़ा हेवियर साइड में काम करना है, थोड़ा बहुत बेटर एडिटिंग का एक्सपीरियंस चाहिए, उसके बाद बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप राइजन 5 5G प्रोसेसर के साथ भी आप जा सकते हो, वो आपको अच्छा परफॉर्म करेगा अगर हम कंपेयर करें इंटेल i3 13th generation प्रोसेसर के साथ। तो मोटा मोटी बात करें तो अगर आपका बजट है 50,000 के अंदर एक ऐसा लैपटॉप लेना चाहते हो जिसमें आपको गेमिंग भी नहीं करना है, हेवी काम नहीं करना है, जस्ट आपको स्टूडेंट परपोज के लिए या फिर ऑफिस परपोज के लिए चाहिए जिसमें आप हल्का फुल्का काम कर पाओ एंड ज़्यादा हेवी टास्क नहीं कर पाओ, तो आप इंटेल प्रोसेसर के साथ आप डेफिनेटली जा सकते हो। अगर आपको वीडियो एडिटिंग बहुत ही ज़्यादा करना है, गेमिंग भी करना है, तो आप राइजन 5 5G प्रोसेसर के साथ भी आप जा सकते हो, वो आज भी एक अच्छा प्रोसेसर है, क्योंकि वहाँ पर आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस कोर्स देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको 12 थ्रेड्स भी देखने को मिलता है, सो हेवी टास्क पे ये आपको ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देगा। सो आप राइजन 5 5G प्रोसेसर के साथ आप जा सकते हो अगर आपका मेनली टास्क है बहुत ही ज़्यादा हेवी टास्क, मतलब वीडियो एडिटिंग एंड गेमिंग। तो ये रहा मेरा ओपिनियन, आपको क्या लगता है मेरा ओपिनियन के बारे में, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। अगर आपको किसी के बारे में डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई दे दूंगा। और हाँ, आप कौन सा प्रोसेसर के लिए इंटरेस्टेड हो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना। तो चलते हैं, वीडियो कहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबा देना, क्योंकि फ्यूचर में अगर कुछ अपडेट आता है तो आपके पास जरूर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।